अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी मीन मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, और ये 63 एम्पेयर का है। ये हम मेन पर यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एनर्जी मीटर से, एनर्जी मीटर की आउटपुट हम 1 और 3 पर कनेक्ट करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा है 1 एंड 3। इस पर हम इनपुट कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल यहाँ, फेज यहाँ, और 2 एंड 4 पर हम इस लोड कनेक्ट करते हैं। ओके, ये C63 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 63 एम्पेयर का है, और 415 वोल्ट एसी के लिए ये बना हुआ है। ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आजकल इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल एंड हाउसेज में यूज़ हो रहा है। ये 2 मकसद के लिए यूज़ होता है। एक तो अगर कहीं से भी आगे से लोड की तरफ से शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक कॉइल होती है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके साथ प्लंजर लगा होता है। वो प्लंजर इसके मूविंग कंटेक्ट को ना मूविंग कंटेक्ट को मेन कंटेक्ट से पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से ये इसका लीवर जो है ना वो ट्रिप कर देता है। दूसरा, ये ओवरलोड के लिए यूज होता है। जैसे ही जिस चीज़ के लिए हमने इसे यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एसी के लिए यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशन के लिए, तो एसी अगर एम्पेयर ले रहा है 10, और हमने 12 एम्पेयर का एमसीबी लगाया हुआ है, अगर कोई एसी में फॉल्ट वगैरह आएगा तो इसी हमारा 12-14 एम्पेयर लेने लग जाए, तो ये ट्रिप कर देगा, क्योंकि इसमें होती है बाई मेटालिक से ट्रिप, तो उसकी भी रेटिंग एम्पेयर जो होती है ना वो 10 एम्पेयर होती है, तो जब इस एयर कंडीशनिंग में 12 एम्पेयर लेने लग जाएगा तो ये ट्रिप कर देगा। बाई मेटालिक से ट्रिप जो है ना एक्सपेंड हो जाती है, तो इसकी जिसकी वजह से कंटेक्ट्स जो है ना ओपन हो जाते हैं। देखिए, मैंने इसकी इनपुट पर न्यूट्रल और फेज कनेक्ट कर दिए हुए हैं, और ये 2 वायर्स मैंने लोड के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, लोड पर मैंने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ब्रेकर ऑफ है, ब्रेकर को ऑन करता हूँ मैं, ब्रेकर ऑन हो गया। देखिए, लैंप ग्लो हो चुका है। इसी तरह हम इसके कनेक्शन करते हैं जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।